आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ। जैसा कि आपको मालूम है कि एक सप्ताह के अंदर 3 दिन मैथ चलता है और 3 दिन इंग्लिश चलता है, तो आज मैथ का टर्न है और मैं आप सभी को आज पढ़ाने वाला हूँ व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणा और कोष्ठक। इन सभी चीज़ को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले व्यंजक की बात कर लेते हैं। तो व्यंजक की अगर बात करते हैं तो एक होता है हमारा विजीय, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आज के बात है हमारा बीजगणित के अंतर्गत पढ़ेंगे और बीजगणित के अंतर्गत हमारा आज बीजी व्यंजक रहेगा, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है आज बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजगणित के अंदर व्यंजकों का, बीजीय व्यंजकों का योग रहेगा, गुणा रहेगा, जोड़ रहेगा और घटाव रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बीजगणितीय अक्षर होते हैं वो कैसे मिलकर के बने होते हैं। जो बीजगणित के अक्षर होते हैं वो दो चीज़ से मिलकर के बने होते हैं। एक होता है अचर पद, अचर पद। एक होता है चर पद। अब ये दोनों क्या होते हैं? चर पद का मतलब है कि अंकों के साथ में हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स ए से लगा करके जेड तक कोई भी अक्षर हो सकता है तो वो हमारा पद कहलाएगा, चर पद कहलाएगा। अगर केवल अंक हैं और बीजी अक्षर मतलब ए से लगा के जेड तक कोई अल्फाबेट नहीं है तो वो हमारा होगा अचर पद। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं उदाहरण की, ठीक है, क्योंकि उदाहरण देना हर चीज़ का जरूरी होता है तो मैं उदाहरण की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, इस तरीके से लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ है 3x 2y और प्लस में 3 लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा गया कि इसमें अचर पद कौन सा है और चर पद कौन सा है, तो सीधी सी बात है, हमने आप सभी को बता रखा है कि अंकों के साथ में यदि a से लगा करके z तक कोई भी अक्षर आ जाए वो चर पद हो जाएगा। तो यहाँ पर चर पद दो हैं, एक ये चर पद है और एक ये चर पद है। इसको क्या बोलेंगे? चर, चर राशि या चर पद, ठीक है, क्या बोलेंगे? चर राशि या चर पद बोलेंगे। अब जिसके साथ में 8 से z तक कोई भी नहीं है इसको क्या बोलेंगे? अचर पद, ठीक है, क्या बोलेंगे? अचर पद बोलेंगे, अचर राशि बोलेंगे, ठीक है, अचर राशि या अचर पद बोला जाएगा। तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गया, अचर क्या होता है और चर क्या होता है। अचर में ए बी सी डी यानी ए से जेड तक कोई भी वर्णमाला का अक्षर नहीं होगा और चर राशि में अक्षर अंकों के साथ में वर्णमाला के अक्षर होंगे। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया। अब एक चीज़ आता है कि सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं। ये चीज़ सभी के पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए मैं सभी को बताना उचित समझता हूँ, क्योंकि बेसिक्स हर चीज़ का आना सभी को चाहिए। अगर बेसिक आ गया तो सब कुछ लगा लोगे भाई, सब कुछ तो आपके हाथ ही में होता है ना। देखो, एक विजातीय व्यंजक है या विजातीय पद व सजातीय पद, समझो। पहले सजातीय की बात समझो, सामान्य एक ही प्रकार के, एक प्रकार, ठीक है, और जाति माने जाति वाले, एक ही प्रकार की जाति वाले। पद माने क्या हो जाएगा? संख्याएं या पद, ठीक है, पद को पद ही रखो, एक ही प्रकार के जाति वाले पद हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? जैसे कोई वर्मा है तो अगर सभी वर्मा वर्मा आपस में आके मिल जाएं तो वो सजाती हो जाएंगे, है ना, और वर्मा के अलावा दूसरा पद आ जाए तो विजाती हो जाएगा। वी माने दूसरी जाति वाला, ये भी समझ लो, विजाती, वी माने होता दूसरी, वी माने होता है दूसरी, और जाति माने जाति वाला, ठीक है, दूसरी जाति वाला, यानी एक ही प्रकार के दोनों की जातियां ना हो। जाति की मैं बात किससे कर रहा हूँ? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है 3x और 5x, दोनों की जातियाँ बात समझो,
दोनों में जो इंग्लिश की गिनतियाँ लिखी हुई हैं वो सेम है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, तो ये हमारा क्या हो गया, सजाती हो गया। क्या हो गया? सजाती हो गया। समझ में आ गया? क्या हो गया? सजाती हो गया। और सजातीय आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, सजातीय पद आपस में योग हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे इसका इसको जोड़ोगे तो 5 3 8 x हो जाएगा, है ना। जैसे चार वर्मा पार्टी, भाई चार वर्मा, अब पांच वर्मा सभी को अगर जोड़ के बताओगे तो क्या बताओगे, भाई पूरे 9 वर्मा आ गए हैं। क्या बताओगे? 9 वर्मा आ गए हैं। लेकिन अगर ये कह दिया गया कि 4 वर्मा हैं और 2 शर्मा हैं, ठीक है, 2 शर्मा हैं, तो आप लोग क्या कहोगे? ये तो कहोगे नहीं कि 4 2 6 शर्मा हैं, ये 4 2 6 वर्मा हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। भाई दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि 4 वर्मा और 2 शर्मा हैं, अलग अलग है, तो आपको क्या बताओगे? दूसरे को अगर बताओगे जाकर के, क्या कहोगे? भाई 4 आदमी वर्मा है, 4 2 आदमी शर्मा है, है ना। कोई ये चीज तो कहना उचित नहीं होगा कि 4 शर्मा है या 6 शर्मा है या पूरे पूरे 6 वर्मा है, ऐसा तो कह नहीं सकते हो आप लोग। तो इसका मतलब क्या है? जो सजाती होगा आपस में जुड़ेगा, सजाती वाला आपस में जुड़ेगा, ठीक है। और विजाती, ये विजाती है, इनकी जातियां अलग हैं, ये वर्मा है ये शर्मा है, तो विजाती वाले आपस में जुड़ेंगे नहीं। विजाती पद इस तरीके से हो गए, जैसे 3x हो गया और 3y हो गया, यानी इसकी जाति अलग है, इसकी जाति अलग है, यहाँ पर x है वहाँ पर y है, तो दोनों की जातियाँ आपस में अलग अलग हो गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे विजाती पद। कौन सा पद बोलेंगे? विजातीय पद बोलेंगे, ठीक है। कौन सा पद बोल देंगे? विजातीय पद बोल देंगे। और याद रखिएगा, विजाती आपस में जुड़ेगा नहीं, हमने यहाँ पर समझा दिया आपको। ये हम कह नहीं सकते हैं, ये हम कह नहीं सकते हैं कि 6 वर्मा है या फिर 6 शर्मा है, सबको अलग अलग कहना पड़ेगा कि 4 वर्मा है और 2 शर्मा है। ये चीज़ समझ में आ गया सभी को? भाई समझ में आ गया ना, देखो, है ना, ये चीज़ समझ में आ गया। सजातीय विजातीय समझ में आ गया, सजातीय में दोनों जातियाँ समान होंगी आपस में योग हो जाएगा, विजातीय में दोनों अलग अलग होगा योग नहीं होगा। चीज़ समझ में आ गया सभी को? चीज़ें सभी को क्लियर हो गया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे योग। क्या पढ़ेंगे? योग पढ़ेंगे। योग माने जोड़, है ना, योग माने जोड़ पढ़ेंगे। सजाती विजाती सभी को क्लियर हो गया? भाई कितने बच्चे हैं सभी लोग बताओ, भाई क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब योग पढ़ेंगे भाई, और बहुत अच्छा योग है, है ना, सब कुछ समझ में आएगा आप सभी को। व्यंजकों का योग, योग माने अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ऐड या एडिशन, ठीक है, एडिशन बोलते हैं। कैसे योग करोगे भाई? देखो, जैसे कहा गया एक्स स्क्वायर, अच्छा रुको, एक चीज योग से पहले मैंने एक चीज पढ़ाना भूल गया, एक पदी है कि द्वि पदी है कि त्रिपदी है, ये चीज मैं समझाना भूल गया, ये समझ लो पहले, एक पदी द्वि पदी त्रिपदी छांटना, ठीक है। यानी यहां पर हेडिंग हो जाएगा एक कामा द्वि कामा त्रि, ठीक है, पदीय छांटना, ठीक है। छांटना माने कौन सा एक पदी है, कौन सा द्वि पदी है, कौन सा त्रिपदी है। आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है, अगर पद विजाती मिलेंगे तब वहां पर हम लोग पद को ज्ञात कर सकते हैं, पद बता सकते हैं। जैसे मैं सब प्रकार समझाऊंगा, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5, अगर पूछ लिया गया आपसे कितने पद हैं तो बता दोगे भाई कितने पद हैं, 3। कैसे? एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया, कितने पद हो गए? टोटल 3 पदी हो गया। कौन सा पदी हो गया? त्रिपदी हो गया। चलिए दूसरा समझिए बात को, अगर इस तरीके से लिखा है तो कितने पदी होगा? अब बहुत लोग तो बताएंगे भाई एक ये है, दो हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में कट जाएगा। मैंने कहा है विजाती होगा तब पदी बता पाएंगे, अन्यथा इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले जोड़ो, 3 2 5 x हो जाएगा, अब ये कितना पद रह गया? सिंगल एक पद रह गया, तो ये क्या हो गया? एक पदी हो गया, ठीक है। कितना पदी हो गया? एक पदी हो गया। चीज़ें क्लियर हो गया? ऐसे आगे समझिए, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब हमसे पूछ लिया गया कितना पदी है, तो सीधी सी बात है एक पदी द्वि पदी और त्रिपदी, कितना हो गया? 3 पदी हो गया,
आगे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 3x प्लस 2x प्लस 3 कितना पदी है, कितना पदी है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे भाई कितने पद में है। फिजी सी बात है, समझो एक पद और दोनों सजाती है तो उसको पहले जोड़ो, 3 2 5 100 प्लस 3, अब क्या निकल गया, एक ही दो पद है ना, कितने पद हो गया, द्विपदी हो गया। चीज़ें क्लियर हो गया भाई, चीज़ें सभी को क्लियर हो गया है, ये पदी व्यंजक समझ में आ गया है। अब कुछ इस तरीके से दिया गया हो, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं भाई, हर कुछ चेंज करके समझाएंगे आप सभी को, ठीक है। इस तरीके से अगर दिया गया हो, लिखा हुआ है एक्स बटे वाई माइनस दो, हमसे कहा गया कितने पद हैं आप बताओ, एक्स बटे वाई, ठीक है, एक्स बटे वाई माइनस दो में कितने पद हैं। सीधी सी बात भाई, ये कितना पद, एक ये पद हो गया, दो पद आपको आँख से दिख रहा होगा, तो सीधी सी बात है कितने पदी हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा, ठीक है, कितने पदी हो जाएगा, द्विपदी व्यंजक हो जाएगा। चीज़ें सभी को क्लियर हो गया भाई, भाई चीज़ें सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया, इतना पद वगैरह समझ में आ गया। थोड़ा सा इंक डाल लेते भाई, तो पढ़ाते हैं आगे आप सभी को, है ना, नहीं बाद में कहोगे सर हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। भाई कहने वाले जानते हो भाई, कहा करते हैं हमेशा, सब कुछ कहेंगे, ठीक है, भगवान को कहते हो हमको न, हमको कहाँ छोड़ पाओगे, भगवान को तो बुरा कहते हैं भाई, है ना। चलो देखो ये चीज़ समझ में आ गया, पदी वगैरह समझा लोगे सब लोग, निकालोगे ना, चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं योग, ठीक है, योग पढ़ते हैं, व्यंजकों का योग में, इसको अंग्रेजी में अगर बात करें तो एडिशन बोला जाता है, ठीक है, क्या बोल देंगे, एडिशन, ठीक है, क्या बोल देंगे भाई, एडिशन बोल देंगे, योग बोला जाता है। सबसे पहली बात क्या, योग कैसे होगा, सीधी सी बात है जैसे जोड़ा जाता वही वैसे होगा। योग कब होगा, जब सजाती पद मिलेगा तब योग होगा, याद रखिए हमको यहाँ पर याद रखना है कि जब सजातीय मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, आपस में सजातीय होगा तब जोड़ होगा, तब क्या करोगे, तब जोड़ करोगे, अन्यथा जोड़ोगे है ये नहीं, है ना, जोड़ोगे नहीं। देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 5 और लिखा हुआ है 5x प्लस 7y प्लस 9 का योग करो, का योग करो, मैं उदाहरण समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ लो सभी चीज, है ना। देखो इसका और इसका योग कर देना है, चलिए देखो ऊपर नीचे रख के कर लो भाई, बहुत आसान है। देखो ये 3x हो गया, ये 2y हो गया, ये 5 हो गया, x वाला यहाँ है, x वाला यहाँ, इसके नीचे रख लो x, आगे प्लस है तो भाई प्लस लगा लो, है ना। ये क्या हो गया, 7y यहाँ पर y है, दोनों एक ही प्रकार के हैं तो रख लो, ये भी प्लस लगा तो प्लस, 9 भाई 5 के नीचे उतार लो, जोड़ लो, है ना। देखो जोड़ोगे तो 5 और 3 मिलकर के 8, दोनों x हैं बराबर है तो x लिख लो, प्लस है तो प्लस लिख लो, 7 और 2y, देखो यहाँ पर y, यहाँ पर y, दोनों सजाती हैं तो जुड़ेगा, 7 और 2 मिलकर के 9y हो जाएगा, यहाँ पर एक प्लस है तो प्लस लगा लो, दोनों अचर पद हैं तो सीधी सी बात जुड़ेगा, सजाती मानो, है ना, 9 5 14, 9 5 14, आंसर कितना आ गया, 8x प्लस 9y प्लस 14, समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया। अब यदि कोई विजाती पद दे दिया गया, समझो बात को, सब कुछ समझो, है ना, सब कुछ समझो भाई, सब कुछ समझो। देखो ये ऐसे कर दिया गया, और ठीक है ऐसे कर दिया गया, ये 3x² है, ठीक है, ये 2y है और ये 5 है। अब देखो x² है ये नहीं, यहाँ पर x² है ये नहीं, तो यहाँ की जगह लिख लो भाई, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में क्या दिक्कत है, ये y वाला तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ उतार लोगे और 9 यहाँ पर उतार लोगे। लेकिन ये काम करना 5 3 8 कभी मत कर देना, 5 3 8 आपको जोड़ नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो जन है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो जन है, तो दो जन या एक जन के बराबर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है, तो कुछ नहीं करना है, इसको इसमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर दो जन है, स्क्वायर माने दो हैं और यहाँ पर एक आदमी है, तो दो एक आदमी जुड़ेगा कब, कत्ता ही नहीं जुड़ेगा, इसको अलग रखो, इसको अलग रखो। इसके आगे मानो धन का चिन्ह है, जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो बच्चा, उसके आगे धन का चिन्ह मान लो, तो यहाँ पर 3x² लिख लो, इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं तो इसको 5x लिख लो, ठीक है, यानी जो सेम ना हो तो जोड़ेंगे नहीं, सजाती नहीं है, बिजाती हो गया हमारा, है ना, सजाती नहीं बिजाती हो गया। अगर यहाँ पर 100 होता तो भी जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम है तो जुड़ेगा कतई नहीं, ठीक है, यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब ये जुड़ेगा, 7 2 9y हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गया,
है ना। अगर एक ही प्रकार के आपको देखने को मिलेगा तो जोड़ना है, अन्यथा नहीं जोड़ना है आप सभी को। ठीक है, आइए थोड़ा सा और कुछ चेक कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा चिन्ह वगैरह बदलते हैं। ठीक है, चिन्ह वगैरह बदल देते हैं, समझो चिन्ह यहाँ पर बदल दिया, यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा लिया और थोड़ा जटिल बना दिया इसको, थोड़ा सा चिन्ह वगैरह बदल लिया। चीज़ें सभी को समझ में आना चाहिए, हर चीज़ समझो भाई, एक ही सवाल से 75 सवाल समझाएंगे आप सभी को, जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं मिलेगा आप सभी को, ये निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ आप सभी को, समझो। 3x² लिख लो, सीधी सी बात है, 2y लिख लो, यहाँ पर -5 लिख लो, आगे जो लिखा हुआ भी लिख लो, 5x लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, -7y² लिखा हुआ है और प्लस का 9 लिखा हुआ है। बात को समझो, जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है, जोड़ देना है, समझो। ये x² है, ये फिर ये x² है, ये x है, यह जुड़ेगा कत्ता ही नहीं, क्योंकि सेम होता तो जुड़ता, यहाँ पर x होता, यहाँ पर x होता तो दोनों जुड़ जाता, लेकिन नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। ये प्लस में तो 3x² हो जाएगा, बगलिया में बगल में प्लस का 5x उतर जाएगा। अब आगे समझो, ये वाला y है और ये y² है, दोनों अलग अलग है तो नहीं जोड़ो, कत्ता ही मत जोड़ो इसको, इसको अलग लिख लो और उसको अलग लिख लो, तो -7y चिन्ह के साथ में उतार लो, -7y² हो जाएगा और ये प्लस का 2y हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक तो 9 है, बात को समझो, एक 9 प्लस का है और -5 है, सजाती हैं, इसलिए जुड़ेगा और घटेगा, इसलिए जुड़ेगा और घटेगा, है ना। देखो +5 से माइनस, +9 से माइनस, देखो 5 कटा करना है, देखो बात समझो पहले, प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता घटेगा, है ना, प्लस और माइनस क्या होता है बच्चा, माइनस होता है, घटेगा, तो सीधी सी बात है, 9 से 5 घटेगा 4 बचेगा, है ना, 9 से 5 घटेगा 4 बचेगा, बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, 9 बड़ा है तो इसके आगे माइनस का नहीं प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या लगा लो, प्लस का चिन्ह लगा लो, प्लस 4 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, समझो बात को, हमने कह दिया प्लस और माइनस माइनस होता है, कभी यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, तब आप लोग तो घटाओगे, एब्सोल्युटली घटाओगे, प्लस और माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 लिखोगे, अब कब किसका 4 लिखोगे, प्लस का या माइनस का, तो गिनती कौन बड़ा, 9 बड़ा, 9 के आगे माइनस का लगा तो यहाँ पर माइनस का लगाएंगे, 9 के आगे प्लस का लगा होता है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। चीज़ें क्लियर हो गया है ना, तो योग सभी को समझ में आ गया भाई। अगर कहीं पर भी आप सभी को इस तरीके से दिया गया हो कि अगर विजाती पद है कहीं पर आप सभी को, तो सीधी सी बात है उसको जोड़ेंगे नहीं, उसको जोड़ेंगे नहीं, जैसे यक्ष यहाँ पर यक्ष की घात 2 है, तो सीधी सी बात है दोनों का एज इट इज नोट कर लो, नहीं जोड़ना है। ओके, यहाँ पर y² है, यहाँ पर केवल y है तो अलग अलग है तो भी नहीं जोड़ना है, लेकिन याद रखना चिन्हों के साथ में याद करेंगे, ठीक है। लिख लिया ये -7 से तो -7y² कर लिया, ये प्लस में था प्लस में उतार लिया, ये दोनों भिजाती नहीं है सजाती हैं, तो जुड़ेगा घटेगा, है ना, तो प्लस का 9 माइनस का 5 दोनों घट जाएगा। मैंने आप सभी को इधर समझाया है ना, समझा दिया है आप सभी को, ये प्लस में था और ये माइनस में था तो प्लस का उत्तर आ जाएगा। चीज़ें सभी को क्लियर हो गया, चिन्ह भले न समझ में आया होगा, अभी मैं इसके आगे चिन्ह बताऊंगा, अब मैं घटाव सिखाऊंगा, लेकिन पहले चिन्ह बता दूंगा तब आप सभी को सिखाऊंगा, ठीक है, तभी सिखाऊंगा सबसे पहले चिन्ह, ठीक है। जोड़ में क्या होता है, जोड़ और घटाव के कॉन्सेप्ट में होता क्या है, जोड़ व घटाव का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जोड़ व घटाव में क्या क्या होगा बात समझो। पहली गिनती यदि प्लस की है, दूसरी गिनती माइनस की, तो सवाल में हमको करना है जोड़, सॉरी घटाओ, क्या करेंगे, घटाओ घटा देंगे, लेकिन चिन्ह उसका लगाना जो गिनती बड़ा होगा, प्लस की गिनती बड़ी है तो प्लस का चिन्ह, बड़ी गिनती माइनस की तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर पहली गिनती माइनस की, दूसरी गिनती प्लस की, तो भी क्या करेंगे, सवाल में घटाओ करेंगे, क्या करेंगे, घटाओ, चिन्ह उसी का लगेगा जो गिनती बड़ा होगा। अगर दोनों प्लस की हैं तो कोई घटाएगा नहीं, जोड़ ही देना है केवल, है ना, बस याद रखने का, मतलब अगर सेम चिन्ह है तो सीधी सी बात है जोड़ का ही चिन्ह लगेगा, घटाओ का कभी लगेगा ही नहीं, है ना। अगर दोनों गिनतियां माइनस की हैं तो सीधी सी बात है जुड़ेगा, जोड़ होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, यहाँ पर प्लस का लगेगा, यहाँ पर जो बड़ा होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा वो लगेगा और यहाँ पर भी जो बड़ा होगा वही लगेगा, ठीक है, जो बड़ा होगा चिन्ह उसी का लगेगा। तो चीजें समझ में आ गया भाई, है ना, प्लस का पहली गिनती, दूसरी गिनती माइनस को, तो सवाल को घटाना है, अगर पहली गिनती माइनस का, दूसरी प्लस का, तो भी घटाना है,
दोनों प्लस का है तो जोड़ देना है, दोनों माइनस का है तो घटा देना, सॉरी जोड़ देना है, लेकिन चिन्ह अपने बड़े और छोटे के हिसाब से लगेगा। ठीक है, चीज़ें सभी को क्लियर हो गया भाई, चीज़ समझ में आ गया है ना भाई, सभी को समझ में आ गया है, बताइए सभी को क्लियर हो गया भाई। देखो आप लोग बताओगे तभी तो मजा आएगा है ना। चलिए घटाते हैं, चलिए घटाओ करते हैं, घटाओ। अंग्रेजी में इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, substitution, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन है ना, substitution ऐसे बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देना, घटा देना है ना, बात को समझो। सजाती विजाती घटेगा जुड़ेगा, ये तो मैं काफी देर से बता रहा हूं। चलो देखो 3x प्लस 2y प्लस 9 और 5x, ठीक है, और प्लस 3y और माइनस का 6, ठीक है, को घटाओ। चलिए को घटाओ, चलो सबसे पहले बड़ा गिनती, कोई गिनती लिख लो भाई, अब छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं है, चिन्हों के बात होती है। लिख लो 3x हो गया प्लस 2y हो गया प्लस 9 हो गया, इस गिनती से इस गिनती को घटा देना है, तो इसके नीचे 5x लिख लो प्लस 3y लिख लो माइनस 6 लिख लो, थोड़ा सा जगह छोड़ दें तो लाइन खींचेंगे, बात को समझो। घटाना है तो जो नीचे वाला गिनती है जहाँ जहाँ प्लस है उसको माइनस बना दो और जहाँ माइनस है उसको प्लस बना दो। ये गिनती प्लस की है तो इस गिनती को नीचे बना लेंगे, माइनस में हो गया। ये गिनती कहे कि है प्लस की है तो इसको माइनस में बना दिया। ये गिनती माइनस की है तो इसको किसने बना दिया, प्लस में बना लिया। अब ये वाले चिन्हों से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये वाले चिन्हों से हमारा कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पर माइनस क्यों बनाया, चूँकि इस गिनती के आगे प्लस ही बना हुआ है ना, चिन्ह नहीं है तो सीधी सी बात उसको क्या मान लो, प्लस का मान लो। ठीक है, किसका मान लेंगे, प्लस का मान लेंगे। ठीक है, अब बात को समझो, तीन ऊपर है सजाती है बजाती, पहले बात समझो, एक्स यहाँ पर है एक्स यहाँ पर है, दोनों सजाती हैं, एक ही प्रकार के हैं, तो सीधी सी बात है घटेगा जुड़ेगा दोनों काम हो सकता है। कैसे जुड़ेगा घटेगा समझो, ये तीन है, बात को समझो, ये तीन है, ये प्लस का तीन है, इससे हमको माइनस पाँच करना, तो ये माइनस का पाँच हो गया। एक्स मत लिखो थोड़ी देर के लिए, बात समझ लो है ना। देखो सवाल में प्लस और माइनस क्या करना है, घटाना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्लस और माइनस है तो सवाल को घटाना है, तो भाई पाँच से तीन घटाओ चाहे तीन से पाँच घटाओ कोई दिक्कत नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं, चिन्हों का पता करेंगे हम पहले। ठीक है, पाँच से तीन घटाओगे दो बचेगा, बड़ा कौन है, पाँच बड़ा है, चिन्ह इसके आगे माइनस का लगा तो क्या लगा लेंगे, माइनस का है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का टू और एक्स तो है भाई, एक्स तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ समझो ये प्लस का, यहाँ पर समझो सजाती बजाती है, ये हमारा वाई है, यहाँ पर वाई है, एक यहाँ पर वाई है, एक यहाँ पर वाई है, यानी वाई वाई की संख्या बराबर है, तो घटेगा जुड़ेगा दोनों काम कर सकता है। ये प्लस का दो है और ये वाला माइनस का तीन है, अब ये माइनस का हो गया तो ये माइनस का तीन हो गया, तो प्लस और माइनस घटेगा, घटाओ कर दो, तीन से दो घटा दो तो एक बचेगा, बड़ा तीन है इसके आगे माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस एक वाई माइनस एक वाई बचा। आगे बात समझो, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों तो प्लस प्लस के ही हैं, तो 9, 6, 15 और चिन्ह प्लस का ही लगेगा है ना, चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 1y प्लस 15। आई बात समझ में सभी को भाई, समझ में आ गया, एक बार लाइक कर दो भाई, बहुत बढ़िया, अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक कर दो, दिल से लाइक करिएगा, मुझको दिल से लाइक चाहिए, ज़बरदस्ती के लाइक नहीं चाहिए और डबल बार लाइक नहीं चाहिए, एक बार एक लोग से लाइक चाहिए। मज़ा आ गया, चीज़ समझ में आ गया। आइए थोड़ा सा सवाल को और कॉम्प्लिकेट करते हैं, कठिन करता हूँ मैं थोड़ा सवाल को, सवाल को कठिन मैं कैसे करूँ, दूसरा लिख लेता हूँ, ठीक है, दूसरा लिख लूँ तभी आपको कठिन लगेगा, अन्यथा कठिन कहाँ लगेगा सवाल है ना, सवाल को कठिन करते हैं। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 में से y स्क्वायर
प्लस 5y प्लस 10 को घटाओ, ठीक है। इस गिनती में से इस गिनती को घटाना है तो ये गिनती नोट कर लो, x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 हो गया। दूसरी गिनती नोट कर लो इसी के नीचे, ये y स्क्वायर हो गया, ये 5y हो गया और ये प्लस का 10 हो गया। थोड़ी जगह छोड़ दो, अब चिन्हों का बदलाव कर लेंगे, चूंकि घटाना है, घटाने में चिन्हों का बदलाव करते हैं और जोड़ने में चिन्हों का बदलाव नहीं करते हैं, है ना। चीज समझ में आ रहा है, समझो। देखो ये प्लस का है, चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का है, प्लस का है तो यहाँ पर माइनस कर लो, ये प्लस का है तो माइनस कर लो, ये प्लस का है तो माइनस कर लो, यानी इन चिन्हों का कोई भी मतलब नहीं रहा, ये भी चिन्हों का कोई मतलब नहीं रहा, चिन्ह हमारे सारे नीचे वाले माने जाएंगे। अब बात समझो, अब जो ऊपर लिखा है, क्या ऊपर वाले पद में एक्स स्क्वायर कहीं लिखा है? देखो यहाँ पर, सॉरी वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ कहीं पर भी वाई स्क्वायर नहीं है, और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, ना नीचे एक्स स्क्वायर कहीं पर है, यानी दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो है ही नहीं सवाल में, ये वाला तो ऊपर नहीं है, ये वाला नीचे नहीं है, तो जब है ये नहीं है तो दोनों को उतारेंगे। सबसे पहले इसको उतार लो, एक्स स्क्वायर उतरेगा और ये माइनस के साथ में वाई स्क्वायर उतरेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, ये एक्स है, ये एक्स है, दोनों में भैया बराबर चीज़ें हैं, है ना, दोनों में चीज़ें बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जुड़ेगा और घटेगा। देखो ये प्लस का दो है, है ना, ये प्लस का दो है और ये वाला भाई माइनस का है, तो माइनस का 5 है, तो समझो प्लस और माइनस माइनस घटा दो, 5 से 3 घटा दो, सॉरी 5 से 2 घटा दो, 3 बचेगा। अब ये प्लस का है कि माइनस का है ये समझने के लिए, बड़ा वाला 5 है और इसके आगे माइनस है, तो सीधी सी बात माइनस लगा दो, है ना। तो क्या हो गया, माइनस का 3, चूंकि वाई है दोनों में तो वाई भाई लिखना पड़ेगा, है ना। आगे देखो, ये भी माइनस का 9 और ये भी माइनस का 10, यानी दोनों गिनतियां हैं सजातीय, अचर हैं, अचर हैं दोनों, है ना। तो देखो ये माइनस का 9 हो गया और दूसरी गिनती भाई माइनस का 10 है, तो सीधी सी बात माइनस का 10 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, यानी जुड़ेगा घटेगा नहीं, जुड़ेगा, तो 9 से 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। अब मैंने कहा जब घटाओगे सॉरी जोड़ोगे माइनस माइनस को, तो माइनस ही लगा लेना, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। आंसर कितना आ गया, 19 आ गया, माइनस का 19 आ गया। आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस का 19। आई बात समझ में, सभी को समझ में आ गया भाई? अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ सभी का, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कुछ दिन में कॉन्सेप्ट सभी क्लियर करा दूंगा, और उसके बाद में प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊँगा, प्रैक्टिस करा दूंगा सभी को, एक एक सवाल चुन चुन के लेकर के आऊँगा, कहीं से लेकर के आऊँगा, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ, फिर जब रिवीजन कराऊँगा तो क्वेश्चन कराऊँगा अच्छे वाले। ओके, चीज़ समझ में आ गया, चलो घटाव समझ में आ गया, गुणा देख तो भैया, गुणा देख लो भाई, चलो गुणा देखो। गुणा, गुणा को अंग्रेजी में मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है, मल्टी मल्टीप्लाई बोलते हैं। चलिए सवाल ऐसे लिखे होंगे, लिखा है एक्स प्लस वाई का गुणा, एक्स प्लस वाई का गुणा, का गुणा 2x प्लस 3y से करो। ये प्रश्न में है भैया आपके, x प्लस वाई का गुणा 2x प्लस 3y से करो, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, बहुत सरल है, आप समझेंगे तभी तो समझ में आएगा। ये दो पार्ट में है, ये भी दो पार्ट में मान के चलो, है ना, ये दो पार्ट में, चाहे इसको तोड़ लो चाहे इसको तोड़ लो, बात को समझो, यहाँ पर कितनी गिनती, 2 गिनती, इसी से गुणा करना है, यहाँ पर कितनी गिनती, 2 गिनती, या इसको दो बार लिख लो, बात समझो, ये 2x और 3y एक ब्रेकेट में यहाँ पर लिख दो, थोड़ी दूर पे 2x प्लस 3y एक ब्रेकेट में यहाँ लिख दो, बात समझ में आ गया। इसको तोड़ लो, एक भाग ये बना लो, एक भाग ये बना लो, चूंकि दो भाग था इसलिए दो जगह लिखा, अगर तीन भाग होता तो तीन जगह लिखते, अभी समझाऊंगा आप सभी को, तीन भाग वाला, तीन भाग होता तो तीन बार लिखना पड़ता, दो भाग है तो दुई भाग, दुई बार लिखा गया है, ठीक है, आप समझो,
ये वाला एक इसके आगे लिख लो और ये वाला एक उसके आगे लिख लो, प्लस में है तो चूंकि प्लस में लिखना पड़ेगा तो प्लस में लगा लो। बात समझ में आ गया? इस वाले का गुणा एक बार इस वाले से करा दो। बात समझो, यहाँ पर आपको समझने वाला है, समझने वाली चीज़ है, अगर कोई भी सजातीय पद का गुणा कराओगे तो जो भी वहाँ पर अल्फाबेट होगा उनका पावर में योग हो जाएगा, पावर में योग हो जाएगा। जैसे यहाँ की पावर एक है और यहाँ की पावर भी एक है, तो ये आपस में जब मिलेगा तो एक पावर इसकी एक और एक मिलकर के दो हो जाएगा, एक और एक मिलकर के दो। तो कॉन्सेप्ट तो वही काम कर रहा है, कौन सा? सजाती वाला, लेकिन यहाँ पर गुणा हो रहा है इसलिए इसकी पावर में जुड़ेगा। भाई समझ में आई बात? समझ में? समझो, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो एक लिखा, एक का दो से गुणा, एक दूनी एक, सॉरी दो, एक दूनी दो, एक यहाँ पर इसकी पावर है, एक पावर यहाँ पर है, तो एक और एक मिलकर के दो, यानी एक्स की पावर कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। आगे चलते, इसी गिनती का दूसरी गिनती से गुणा करो, ठीक है? बात समझो, इसके आगे एक है, इसके आगे तीन है, तो एक तिया तीन, एक तिया तीन। पहले चिन्ह समझो, समझो पहले, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, ठीक है? एक प्लस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, गुणे में एक चीज़ देखिएगा आप लोग कि अगर प्लस 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 होता है तो प्लस का चिन्ह बना दो, माइनस माइनस जोड़ होता है तो जोड़ का चिन्ह बना दो, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह बना दो, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह बना दो। गुणे में इतना याद रखो आप लोग। चलिए देखिए, प्लस प्लस प्लस, अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है, मान लो भाई एक लिखा है, समझा देता हूँ सबको, एक तिया तीन हो गया, एक्स और वाई अलग अलग हैं, यहाँ पर भी एक्स की पावर एक है, यहाँ पर वाई की पावर एक है, यहाँ पर एक्स की पावर एक है, अलग अलग हैं तो सीधी सी बात जुड़ेगा तो है ये नहीं, सीधी सी बात इसको नोट कर लो, एक्स भी नोट कर लो और वाई भी नोट कर लो, एक हल हो गया, इतना हल हो गया। अगले पे चलते हैं, अगले पे आइए, सबसे पहले चिन्हों का समझ लो, प्लस यहाँ पर भी है, इसके आगे प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो मानो एक लिखा हुआ है, इसका यहाँ से गुणा कराओ, एक दूनी दो, यहाँ पर y अलग है, x अलग है, अलग अलग है ना, तो x और y मिलकर के x y दोनों अलग अलग ही लिखा रहेगा, दोनों का आपस में कुछ होगा नहीं, इंटरेक्शन ही नहीं होगा, है ना। आगे इसको यहाँ से गुणा कराओ, देखो प्लस प्लस प्लस, एक तिया तीन, x यहाँ पर y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, सेम सेम है ना, तो एक वाई इसकी पावर एक और इसकी पावर भी एक आपस में जुड़ेगा, तो वाई की पावर एक, वाई की पावर एक, वाई की पावर कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए आगे देख लो, इसको आप सही से लिख लो, ये दो की पावर एक्स, यहाँ समझो ये भी एक्स वाई और ये भी एक्स वाई, अब तो सजाती हो गया है ना, अब तो सजाती होगी, यहाँ तक करोगे तो कोई मतलब नहीं है, आगे करना पड़ेगा, समझ में तभी आएगा, ठीक है? देखो ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, दोनों अलग अलग है नहीं है, एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार का है, तो दोनों का चिन्ह भी प्लस प्लस है, तो सीधी सी बात जुड़ेगा, तीन ये है दो ये है, तो तीन दो मिलकर के कितना हो जाएगा भैया? पाँच। एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, तो दोनों भैया एक्स, एक बार एक्स वाई लिख लो, एक बार एक्स वाई लिख लो, ठीक है? समझ में आ गया भाई, ये तीन एक्स वाई है, दो एक्स वाई, तो पाँच जुड़ करके पाँच एक्स वाई हो गया, ठीक है? आगे आगे बात समझो, ये क्या लिखा हुआ, थ्री वाई स्क्वायर, तो एज इट इज इसको लिख लो, चूंकि इसके अलावा और कोई है नहीं, अब हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है? अब हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। हमको लगता समय ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, समय ज़्यादा हो रहा है, तो मैं एक और सवाल समझाऊंगा आप सभी को, गुणा करने वाला, ठीक है? वो भी जरा जल्दी से समझा दूंगा, तीन वाला समझा दूंगा, बस तीन वाला समझा दूंगा और सभी को छुट्टी कर दूंगा, कल फिर पढ़ाऊंगा भाई, कल मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अब तीन वाला देखो, यहाँ पर x प्लस वाई ऐसे है, अगर तीन लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, तीन बार लिखा हुआ है और गिनतियाँ यही हैं, ये तीन बार है तो इसको भी तीन बार लिख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं यार, तीन बार लिख लो, टू एक्स प्लस थ्री वाई एक बार, दोबारा टू एक्स प्लस थ्री वाई दोबारा, तिबारा लिख लो टू एक्स प्लस थ्री वाई तिबारा, तीन बार लिख गया। अब एक बार इसका एक्स यहाँ लिख दो, प्लस वाई यहाँ पर लिख दो, आगे प्लस जेड है तो प्लस जेड लिख दो। आगे अगली वीडियो में जब मैं बताऊंगा ना, तो और थोड़े एग्जांपल करा दूंगा, चूंकि समय आ जाता हो रहा भाई ना,
समझाने में थोड़ा समय लग गया है, और समझाने में समय लग गया था तो आप लोगों को मालूम है भाई, थोड़ा बहुत तो मैं बताता नहीं सभी को, सब कुछ पूरा पूरा समझा के छोड़ता हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से करता हूँ। देखो प्लस प्लस से सीधी सी बात है, देखो यहाँ से गुणा करा दो तो एक एक कम एक दूनी दो, अब यहाँ पर एक्स यहाँ पर एक्स दोनों सेम है तो एक्स की पावर दो हो जाएगा। आगे इसका गुणा कराओगे तो यहाँ पर समझो क्या है, प्लस है, क्योंकि प्लस और यहाँ का प्लस प्लस हो जाएगा, एक तीन तीन हो जाएगा, एक्स और वाई अलग अलग है तो दोनों को नोट कर लो, एक्स वाई नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगा लो, यहाँ का गुणा यहाँ से कराओ, एक एक कम एक सॉरी दो है, एक दूनी दो, एक्स वाई अलग अलग है तो एक्स वाई नोट कर लो, यहाँ का गुणा आगे से करा लो, प्लस 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 ही रहेगा। यहाँ पर एक मानो, एक तीन कितना हो जाएगा तीन, ए वाई वाई बराबर है तो वाई की घात दो हो जाएगा, ठीक है। आगे अब जेड का इसी तरीके से करा लो, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर एक लिखा, एक दूनी दो, एक्स जेड अलग अलग है तो एक्स जेड नोट कर लो। आगे देखो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस 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 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक तिया तीन हो गया और वाई जेड अलग अलग है तो वाई और जेड अलग अलग है तो एज इट इज वाई जेड को अलग अलग नोट कर लेंगे, ठीक है। आइए बात को समझते हैं। देखो ये टू एक्स स्क्वायर है, ये देखो यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स वाई दोनों बराबर हैं, है ना, तो तीन और दो मिलकर के पाँच एक्स वाई हो गया। आगे समझो इसका जैसा और कोई है ये नहीं, तो है ये नहीं तो भैया तीन वाई स्क्वायर कर लो, है ना। आगे देखो ये एक्स जेड है वाई जेड है तो भाई दोनों दोनों में अलग अलग, यहाँ पर एक्स होता अगर यहाँ पर भी एक्स होता तो जुड़ सकता था, अन्यथा जुड़ेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख लो, है ना। क्या लिख लिया, टू एक्स जेड हो गया भाई थ्री वाई जेड हो गया, ठीक है, थ्री वाई जेड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया भाई, है ना, ये चीज़ समझ सबको समझ में आ गया, जितना बच्चा देख रहा है क्या सभी को चीज़ समझ में आ गया, गुणा समझ में आ गया है, और समझा दूंगा आपको। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, अब तो कल मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है, कल मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जब नेक्स्ट वीडियो दूसरे दिन लाऊंगा तो इसके आगे एक और समझाऊंगा, गुणा और समझा दूंगा, गुणा में कभी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद में एक पार्ट बचेगा हमारा भाग, ठीक है, भाग समझना आप सभी को, ज़्यादा बड़ा आपका टॉपिक नहीं है भाई, ये थोड़ा सा ये आज का लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं मानता हूँ, ठीक है। आगे आने वाले टॉपिक एक एक दिन में दो दो यूनिट खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लेना, 20 दिन के अंदर सब कुछ खत्म करके 10 दिन में प्रैक्टिस 30 दिन का कोर्स अपना समाप्त कर दूंगा, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े और हमारी इस मुहिम में आगे की ओर अग्रसर कर सकें और हमारा साथ दे सकें, ठीक है। तो मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, तब तक फिर अगले दिन जरूर पढ़िएगा, तब तक के लिए गुड बाय।